हेलो स्टूडेंट्स आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ सर्कल चैप्टर से कुछ प्रॉब्लम्स प्रूव दैट इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्किल व्हिच टचेस द स्मॉलर सर्किल इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सो ये है एक स्मॉल सर्किल और ये है एक लार्ज सर्किल सो ये है टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स मतलब ये दो सर्कल्स का सेंटर सेम है सो so, ये सेंटर है ओ, ओके सो ये दो सर्कल्स का सेंटर सेम है तो ये दो सर्कल है कॉन्सेंट्रिक सर्किल So, अभी जो लार्जर सर्किल्स है लार्जर सर्किल्स मतलब सपोज यह है सी वन लार्जर सर्किल और सी टू है स्मॉलर सर्कल लार्जर सर्कल का ऊपर एक कॉर्ड है सपोज ये कॉर्ड है जो लार्जर सर्कल मतलब सी वन सर्कल का है ओके okay. सो so कॉर्ड क्या होता है जैसे ये कॉर्ड ये लार्जर सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है सो so ये दो पॉइंट के कॉर्ड है एक लाइन सो so ये जो दो पॉइंट के बीच में है इसको बोला जाता है कॉर्ड अभी ये जो लार्जर सर्कल का कॉर्ड है मतलब सी वन सर्कल का ये जो स्मॉलर सर्कल है सी टू को एक पॉइंट पे टच करता है ओके okay, सो so ये पॉइंट है पी सो so, ये स्मॉलर सर्कल में ये लार्जर सर्कल का कॉर्ड टच करता है पॉइंट पी पे अभी हम ओ और पी को कनेक्ट कर देते हैं ओके okay. ओ और पी को कनेक्ट कर देते सो so, हमें हमें मिल गया ओ पी ओ पी क्या है ओ पी है स्मॉलर सर्कल का रेडियस सो so, हमें ये प्रूफ करना है जिस पॉइंट पे ये जो लार्जर सर्कल का कॉर्ड स्मॉलर सर्कल को जिस पॉइंट पे टच करता है ओके ये पॉइंट इस कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइडेड कर डिवाइड कर रहा है मतलब बाइसेक्ट कर रहा है ये जो कॉर्ड है इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में जो कॉर्ड है इस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है ये पॉइंट पी ओके सो एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ये कॉर्ड बाइसेक्टेड हो रहा, ये रहा है ये प्रूव करना है ओके अभी जो ये ला जो कॉर्ड है लार्जर सर्कल का ये स्मॉलर सर्कल को मतलब सी टू सर्कल को पॉइंट पी में कांटेक्ट कर रहा है ओके okay, टच कर रहा है तो so, ये है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और अभी हम ओ और पी कनेक्ट कर दिए सो ओ पी है रेडियस ऑफ सर्कल रेडियस ऑफ सर्कल C2 टू मतलब स्मॉलर सर्कल का रेडियस है OP पी okay. ओके अभी जो कॉर्ड है ये जो कॉर्ड है ओके okay, ये स्मॉलर सर्कल को एक पॉइंट पे टच कर रहा है सो so, ये कॉर्ड एक्चुअली स्मॉलर सर्कल का एक टेंजेंट है ओके okay, अगर हम इसको एक सी लेते हैं सो so एक सी जो कॉर्ड है ये एक्चुअली एक टेंजेंट है टेंजेंट ऑफ स्मॉलर सर्कल ओके स्मॉलर सर्कल का एक टेंजेंट है ओके okay. ये एक्स वाई एक्स वाई है स्मॉलर सर्कल का एक टेंजेंट अभी ये एक्स वाई जो टेंजेंट है स्मॉलर सर्कल को पॉइंट पी पे टच टा ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है ओके और उस पॉइंट पे जो रेडियस है वो है ओपी सो हम लिख सकते हैं ओके ओपी परपेंडिकुलर टू एक्स वाई क्योंकि ये जो टेंजेंट है रेडियस के साथ उस एक किसी सर्कल का जो किसी पॉइंट पे टेंजेंट है वो रेडियस के साथ उस पॉइंट पे जो रेडियस होता है उस पॉइंट रेडियस के साथ पार्पेंडिकुलर होता है ये हमने थियोरम पे सीखा है ओके सो ओ पी पार्पेंडिकुलर टू एक्स वाई ओके अगर ओ पी पार्पेंडिकुलर टू एक्स वाई है तो एक्स वाई तो एक्चुअली टेंजेंट है स्मॉलर सर्किल का सी टू सर्कल का लेकिन जो लार्जर सर्कल है सी वन सर्कल का सी वन सर्कल का ये कॉर्ड है ओके एक्स वाई इज ए कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्किल सी टू ओके लार्जर सर्किल सी वन स्मॉलर सर्किल है सी टू ओके सो लार्जर सर्किल सी वन का एक कॉर्ड है ओके okay. ओके और इस कॉर्ड के सेंटर से ये कॉर्ड से हम अगर एक पार्पेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं स्कॉट से हम अगर एक पार्पेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वो तो सेंटर so पॉइंट से हम के ऊपर एक पारपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं सो ओपी इज पारपेंडिकुलर टू कॉर्ड एक्स वाई मतलब ओपी पार्पेंडिकुलर टू एक्स वाई कॉर्ड ओके ओपी जब एक्स वाई कॉर्ड का पार्पेंडिकुलर है अभी हम इसको कॉर्ड मानते हैं ओके okay, पहले हमने इसको टेन माना था अभी हम इसको सी वन मतलब लार्जर सर्कल का कॉर्ड कंसीडर करते हैं अगर है, okay, so ये लार्जर सर्कल का कॉर्ड है ओके सो ये पार्पेंडिकुलर टू ओ पी है पार्पेंडिकुलर टू कॉड कॉर्ड एक्स वाई so सो ओ पी एक्चुअली बाइसेक्ट कर रहा है सो ओ पी बाइसेक्स कॉड एक्स वाई ओके अगर ये पार्पेंडिकुलर है तो ओपी क्योंकि कॉर्ड एक्स वाई का पार्पेंडिकुलर है इसलिए ओपी बाइसेक्स एक्स कॉर्ड एक्स वाई अभी एक प्रॉब्लम टू टैंजेंट्स टीपी एंड टी क्यू आर ड्रॉन टू ए सर्कल विथ कॉन्सेंटर ओ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टी प्रूव दैट पीटी क्यू एंगल पीटी क्यू टू एंगल ओ पी क्यू सो ये है एक सर्किल इसका सेंटर है वो ओके okay. अभी हम इस सर्किल से एक्सटर्नल पॉइंट है टी टी पॉइंट है एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं ओके okay. सो so, ये है एक पी और यह है टी क्यू ओके प्रूफ पी टी क्यू पी टी क्यू सो ये हम पी और टी को कनेक्ट कर दिए ओके सो पीटी क्यू टी क्यू मतलब एंगल टी क्यू और एंगल ओपी क्यू यह है एंगल ओपी क्यू सो so, प्रूव करना है एंगल पी टी क्यू ज इक्ल टू एंग टू इंटू एंगल ओ पी क्यू अभी मान लेते हैं एंगल पी टी क्यू है थीटा सो एंगेल टीपी क्यू और एंगल टी क्यू पी कितना होगा ओके सो यह एक्सटर्नल पॉइंट टी से दो टैनज ड्रॉ किया गया सो ये टी क्यू इक्वल टू टीपी होगा ओके क्योंकि ये हमने थियोरम पे पढ़ा है कहीं एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट दो टेंजेन किया जाता है उसका लेंथ इक्वल होता है सो यहाँ पे टीपी इक्वल टू टी क्यू सो हम बोल सकते हैं ट्राइंगल टीपी क्यू इज ए आइसोस्केल्स ट्राइंगल जिसका जिस ट्राइंगल का दो साइड इक्वल होता है वो है आइसोस्केल ट्राइंगल सो so, टी पी क्यू है एक आइसोस्केल ट्राइंगल जिसका एंगल टीपी क्यू इज इक्वल टू एंगल टी क्यू पी सो एंगल टीपी क्यू इक्वल टू एंगल टी क्यू पी होगा ओके okay. सो so, इसका वैल्यू कितना होगा इसका वैल्यू होगा क्योंकि ये हमने पी टी क्यू को थीटा लिया अभी तीन एंगल का साम होता है वन एट्टी डिग्री मतलब पी टी क्यू प्लस टी टी पी टी पी क्यू प्लस टी क्यू पी टोटल होता है वन एट्टी डिग्री ओके सो so, हम बोल सकते हैं एंगल टी पी क्यू इक्वल टू एंगल टी क्यू पी इक्वल टू वन एट्टी माइनस थीटा डिवाइडेड बाय टू ओके ये डिवाइडेड बाय टू है क्योंकि ये टीपी टीपी क्यू और टी क्यू पी तो इक्वल है तो ये दोनों मिला के और तीनों मिला के होगा वन एट्टी सो ये दोनों मिला के हुआ वन एट्टी माइनस थीटा ओके ये दोनों मिला के होगा वन एट्टी माइनस थीटा और क्योंकि ये दोनों सेम है सो हम लिख सकते हैं ये वन एट्टी माइनस थीटा बाई टू तो ये इक्वल टू तो दोनों का वैल्यू ही है ओके ये दोनों सेम है दोनों मिला के हुआ वन एट्टी माइनस थीटा ये दोनों का शाम होगा वन एट्टी माइनस थीटा सो ये क्योंकि दोनों सेम है ये और ये सेम है ओके सो तो किसी एक का वैल्यू होगा वन एट्टी माइनस थीटा और इसका भी वैल्यू होगा वन एट्टी माइनस थीटा इसका वैल्यू होगा वन एट्टी माइनस थीटा बाई टू और इसका वैल्यू होगा वन एट्टी माइनस थीटा बाई टू क्योंकि ये दोनों मिला के हुआ वन एट्टी माइनस थीटा सो इसका होगा वन एट्टी माइनस थीटा बाई टू इसका भी होगा वन एट्टी माइनस थीटा बाई टू ओके सो इसे हम लिख सकते हैं नाइनटी माइनस थीटा बाई टू ओके टीपी क्यू अभी एंगल टी पी ओ ये तो होगा नाइन्टी डिग्री ओके okay, क्योंकि जो टेंजेंट टीपी है ओपी रेडियस के साथ पारपेंडिकुलर है सो so, टीपी क्यू नाइन्टी डिग्री क्योंकि टीपी पारपेंडिकुलर टू तो, पीओ और ओ ओके सो okay, so, हम बोल सकते हैं ये टीपी क्यू है नाइन्टी माइनस थीटा बाई टू और टीपीओ है नाइनटी सो so, एंगल ओ पी क्यू कितना होगा so, एंगल ओ पी क्यू इक्वल टू एंगल ओ पी टी माइनस एंगल टीपी क्यू ओके एंगल ओ पी टी है नाइन्टी डिग्री और माइनस एंगल टीपी क्यू है नाइन्टी माइनस थीटा बाई टू ओके ये ओपी क्यू का वैल्यू है सो ओपी क्यू का एक्चुअली वैल्यू कितना होगा ये नाइनटी नाइनटी कट जाएगा तो फाइनली होगा थीटा ओ पी क्यू आया थीटा बाई टू और एंगल पी टी क्यू आया था पी टी क्यू ने हमने कंसीडर किया था थीटा और एंगल ओपी क्यू आया थीटा बाई टू सो हम बोल सकते हैं एंगल पी टी एंगल पी TQ equal to two into angle OPQ. क्योंकि ओपी OPQ क्यू का वैल्यू आया थीटा बाई टू और TP पी टी क्यू का वैल्यू था थीटा ओके okay, ये है थीटा और ओपी क्यू आया थीटा बाई टू ये क्वेश्चन इफ टेंजेंट्स पी पी एंड पी बी फ्रॉम ए पॉइंट पी टू ए सर्कल विथ सेंटर आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ एट्टी डिग्री देन पी ओ ए इज इक्वल टू ए सो ये एक सर्कल है ओके okay. तो इसका एक्सटर्नल पॉइंट पी से हमने दो टेंजेंट ड्रॉ किया ये पी ए ये, ये पी बी ओके सो ये सेंटर है ओ अभी टेंजेंट्स पी विथ ए सर्कल सेंटर ओ आर इंक्लाइन टू ईच अदर इंक्लाइन टू ईच अदर मतलब ये एक टेंजेंट ये एक टेंजेंट टैंजेंट एक दूसरे के साथ इनक्लाइंट कितना में है एट्टी डिग्री ओके ये एक दूसरे के पी ए और पी बी का एंगल है एट्टी डिग्री सो पी पी ओ ए सो हमें पूछा गया पी ओ ए मतलब ये एंगल ये एंगल कितना है पी ए ओ का पी ओ ए का वैल्यू कितना है सो अभी अगर हम एंगल ए पी बी मानते हैं ए पी बी मतलब जो इंक्लाइंड है दो ट्रांजेंट के बीच इंक्लाइन तो ये है अट्टी डिग्री ओके और एंगल एपो होगा अट्टी बाइ टू ओके फोर्टी डिग्री क्योंकि ये दो ट्राइंगल ट्राइंगल एपो और ट्राइंगल बीपो कॉन्ग्रुएंट है ये हमने पढ़ा था ओके okay. ट्राइंगल एपो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल बीपो ओके okay. तो इनका सारा एंगल सेम होगा तो ये जो एंगल है ये एंगल और ये एंगल सेम होगा तो ये इक्वल होगा तो ये फोर्टी होगा ये भी फोर्टी होगा ओके ये फोर्टी होगा और अभी हम अगर ट्राइंगल ट्राइंगल ए पी ओ को कंसीडर करें उसके केस में एंगल ओ ए पी है नाइन्टी डिग्री ओके ओ ए पी है नाइन्टी डिग्री राइट एंगल ओके ओ ए पी है नाइन्टी डिग्री ए पी ओ है फोर्टी डिग्री सो पी ओ ए होगा पी ओ ए होगा तीनों एंगल का साम है वन एट्टी सो ए प्लस ए प्लस ये एंगल तीनों एंगल मिला के होता है वन एट्टी डिग्री सो पी ओ ए का वैल्यू होगा वन एट्टी माइनस ओ ए पी और ए पी ओ ओके सो ये होगा वन एट्टी माइनस ओ ए पी ओ ए पी का वैल्यू है नाइन्टी डिग्री प्लस ए पी ओ ए पी ओ का वैल्यू है फोर्टी डिग्री सो ये होगा नाइन्टी प्लस थर्टी फोर्टी है वन थर्टी वन थर्टी वन एट्टी से वन थर्टी का वैल्यू आ गया फिफ्टी डिग्री सो इसका आंसर होगा फिफ्टी डिग्री पी ओ पी ओ ए का वैल्यू होगा फिफ्टी डिग्री ए क्वाड्रीलेटरल ए बी सी डी इज ड्रॉन टू सर्कम स्क्राइब ए सर्कल प्रूव दैट ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी सो अभी ये अगर हम इस पॉइंट से ये क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया गया ओके okay, ये सेंटर है तो हमें प्रूव करना है ए बी ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी सो अगर हम इस साइड से किसी एक पॉइंट को सपोज ए पॉइंट सो ए पॉइंट से एक्सटर्नल पॉइंट कंसिडर करते हैं इस सर सर्कल के हिसाब से इसके हिसाब से ये एस पॉइंट पे ये ए बी ए बी पी पॉइंट पे इंटरसेट कर रहा है बी सी क्यू पॉइंट पे इंटरसेट कर रहा है सी डी आर पॉइंट पे इंटरसेट कर रहा है सर्कल को और ए डी एस पॉइंट पे इंटरसेट कर रहा है ओके okay, सो so अगर हम ऐसे कंसीडर करें ये एक्सटर्नल पॉइंट है यहाँ से एक ए पी एक टेंजेंट है ए एस एक टेंजेंट है ओके okay, सो so हम ऐसे लिख सकते हैं ए पी इक्वल टू ए एस क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से जो टें दो टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है उसका लेंथ इक्वल होता है ओके okay, ऐसे ही हम लिख सकते हैं बी पी इज इक्वल टू बी क्यू और सी सी आर इक्ल टू सी क्यू और डी आर इक्वल टू डी एस क्योंकि किसी एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ दो टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है उसका लेंथ इक्वल होता है ओके okay, सो so हम एक्सटर्नल पॉइंट लेते हैं ए बी सी डी तो हमें ये आठ टेंजेंट तेंग, मिल गए आठ टेंजेंट का ये एक दूसरे के साथ इसका लेंथ इक्वल है अभी दिया गया ए बी प्लस सी डी ए बी प्लस सी डी को हम लिख सकते ए बी मतलब AP प्लस बीपी ओके ए बी एपी प्लस इसको हम लिख सकते हैं ए बी प्लस बीपी ए बी को लिखा और सी डी को हमने लिख लिखा लिख सकते हैं सी आर प्लस डी आर ए बी को लिखा ए बी ए पी ए पी प्लस बी पी सी आर प्लस डी आर सी डी को लिखा ओके सी डी को हमने सी आर प्लस डी आर लिखा अभी ए पी को हम लिख सकते हैं ए पी की जगह हम लिख सकते हैं ए एस ओके यहाँ पे और बी पी की जगह हम लिख सकते हैं बी क्यू और सी आर की जगह हम लिख सकते हैं सी क्यू और डी आर की जगह हम लिख सकते हैं डी एस अभी क्या मिल गया हमें ए एस प्लस डी एस एस और डी एस को हम लेंगे ए एस प्लस डीएस यहां पे लेंगे सी क्यू प्लस बी क्यू सो एस प्लस डी एस है ए डी और सी क्यू प्लस बी क्यू है बी सी सो ये प्रूव हो गया थैंक यू